22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए देश भर से साधु संत अयोध्या पहुंच रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ बंगाल में साधु संतों को पीटा गया। इस घटना का वीडियो सामने आते ही देश भर के साधु संत नाराज हो गए और एक एक करके ममता सरकार पर हमला बोल दिया। साधु संतों के अलावा ममता सरकार पर बीजेपी ने जोरदार हमला किया। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने इस घटना को पालघर से जोड़ दिया, कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंदू होना अपराध है। वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, जब भी बंगाल की मुख्यमंत्री भगवा रंग देखती हैं तो वो क्रोधित हो जाती हैं। तो वो भगवा रूप कहीं देख लिया तब तो और उनको क्रोध आता है, नाराज होती हैं, और इसीलिए वो आक्रमण कराती। स्वयं मुख्यमंत्री की देन है, वहाँ के ममता बनर्जी के देन है जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जो बहुत दुखद है। वहीं इस पूरे मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इधर पूरी घटना पर टीएमसी का भी बयान सामने आया। टीएमसी ने कहा कि भाजपा इस घटना को गलत दिशा दे रही है। भारतीय जनता पार्टी इन पुरुलिया इज ट्राइंग टू क्रिएट अ डिफरेंट नैरेटिव, मिसरिप्रेजेंट इंसिडेंट्स व्हिच हैपेंड इन पुरुलिया ऑन द 11th ऑफ जनवरी। आइए जानते हैं इस पूरी घटना के पीछे आखिर सच्चाई क्या है। इस पूरी घटना के बाद मीडिया को बयान देते हुए साधु मधुर गोस्वामी ने कहा कि वह बरेली से गंगा सागर जा रहे थे, रास्ते में उनकी गाड़ी रोकी गई, उनके साथ मारपीट की गई, पुलिस उन्हें थाने लेकर आई। अब हम गंगा सागर नहीं जाएंगे, वापस बरेली जा रहे हैं। सर, जैसे हम जा रहे थे गंगा सागर के लिए, रास्ते में अचानक गाड़ी को रोका, हम लोगों के साथ में धक्का मुक्की की और मारपीट की और गाड़ी को तोड़ फोड़ कर पुलिस प्रशासन गया, हमको थाने में रख दिया। कितने आदमी थे, कितने आदमी ने मारधर किया आपको? कोई पता नहीं सर, न जाने 200 आदमी थे, न जाने 300 थे, हमको तो बेहोशी आ गई। उन लोगों ने बुरा है, किसी लड़की लेके भाग रहे थे, क्या बोलेंगे आप? नहीं कुछ नहीं, वो भी बेटियाँ आई हम लोगों से माफ़ी मांगने लगी। हमने कहा बेटी हमारा ही कोई पाप उदय हुआ जो हमको ये दंड भोग होना। आप कहाँ जाएंगे अभी? अब हम अपने आश्रम को ही जा रहे हैं। बनी अब लोग गंगा सागर नहीं जाएंगे? अब नहीं जाएंगे क्योंकि गाड़ी हमारी सब टूट गई। वही लोकल मीडिया में कहा जा रहा है साधु संत गंगा सागर जाना चाहते थे लेकिन वो रास्ता भूल गए। उन्होंने गंगा सागर जाने के लिए लड़कियों से रास्ता पूछा, लड़कियों को साधु की बात समझ नहीं आई और चिल्लाई। वहां मौजूद लोगों ने समझा कि यह साधु संत नहीं बच्चा चोर है, और इसी गलतफहमी में साधु संतों को बीच सड़क पर पीटा गया। इस घटना के बाद भाजपा सांसद के द्वारा साधुओं को सम्मानित किया गया और बरेली तक की उनकी यात्रा की व्यवस्था की गई। साधुओं पर हुए हमले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति कहां लेकर जा रही है? आखिरकार ये वातावरण क्यों बनाया जा रहा है? राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के समय बंगाल में कर्फ्यू जैसा माहौल बनाया जा रहा है ताकि लोग अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल ना हो। आखिरकार ये वातावरण क्यों, ये तुष्टीकरण की राजनीति ने इस वातावरण खड़ा कर दिया है कि कभी राम जन्म भूमि का अगर शिलान्यास हो तो बंगाल में कर्फ्यू जैसी स्थिति खड़ी कर दे, हिंदुओं को जश्न भी ना मनाने दिया जाए, और अब हिंदू साधुओं को मारने पीटने की, उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया, इस तरह की घटनाएं सामने आई और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रहे। आइए अब समझते हैं कि इस घटना को पालघर से क्यों जोड़ा गया। साल 2020 जब देश में कोरोना महामारी ने हाहाकार मचाया, लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में बंद थे, उस दौरान 16 अप्रैल को दो साधुओं और उनके ड्राइवर को लोगों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। देश भर में साधु संतों ने इसका विरोध जताया, जिसके बाद इस घटना की जांच 21 अप्रैल 2020 को सीआईडी को सौंपा गया। अब इस घटना और बंगाल की घटना में एक चीज जो सामान्य है वह यह है, बंगाल में साधु संतों की पिटाई बच्चा चोर की गलतफहमी में हुई और पालघर में भी जिन साधु संतों को मारा गया उन्हें भी बच्चा चोर समझने की गलतफहमी हुई थी। इस पूरी घटना के बाद साधु संत जो है जिनके साथ मारपीट की गई उन्होंने कहा है उन्हें किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं चाहिए। क्या चाहते हैं? अब सर हम कुछ नहीं चाहते हैं क्योंकि हम तो
रास्ता की संत हैं। जिन लोग क्या है उसका पनिशमेंट चाहते हैं, शास्ति चाहते हैं? जी नहीं, कुछ नहीं चाहते। इस वीडियो में बस इतना ही।